पंजाब और हैदराबाद के बीच भिड़ंत, जाने हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और कैसा होगा मौसम का मिजाज। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 23वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होगा। 9 अप्रैल को मोहाली के यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में दोनों ही टीमें आमने सामने होंगी। पंजाब और हैदराबाद दोनों टीमें अपना विजय क्रम जारी रखना चाहेगी और पॉइंट टेबल में ऊपर चढ़ना चाहेगी। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट टेबल में फिलहाल 5वें नंबर पर है, जबकि पंजाब किंग्स 4 अंक के साथ 6ठे स्थान पर है। पंजाब ने अब तक 4 मैच खेले हैं और उनमें से 2 मैच जीते हैं, वहीं अपना पहला मैच जीता था, जबकि अगले 2 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पंजाब ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना 4था मैच 3 विकेट से जीता था। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद अपना पहला मैच हार गई थी, जबकि दूसरा मैच जीत गई। वहीं तीसरे मैच में टीम ने वापस जीत हासिल की और अपना 4था मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 6 विकेट से जीता। पंजाब और हैदराबाद ने अब तक 21 आईपीएल मैच खेले हैं, वहीं पंजाब ने उनमें से 7 में और हैदराबाद ने 14 मैचों में जीत हासिल की है। हैदराबाद के खिलाफ पंजाब का अब तक का हाईएस्ट स्कोर 211 रन का है, वहीं पंजाब के खिलाफ हैदराबाद का हाईएस्ट स्कोर 212 रन का है। सनराइजर्स हैदराबाद ने दोनों के बीच पिछले 5 मैचों में से 3 मैच जीते हैं, वहीं पंजाब ने 2 मैचों में जीत हासिल की है। दोस्तों, मोहाली की पिच भारत की सबसे तेज पिचों में से एक मानी जाती है। इसमें उछाल से तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। टीमें अक्सर पहले गेंदबाजी करती है और शुरुआती नमी का फायदा उठाती है। 2018 के बाद आमतौर पर दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतती आई है। इस पिच पर स्पिनर्स तेज गेंदबाजों की तुलना में बहुत ही कम विकेट लेते हैं। इस सीजन से पहले पंजाब ने यहां 56 में से 30 मैच जीते थे। पहली पारी का औसत स्कोर 168 रन का है। तेज गेंदबाजों ने अब तक 446 विकेट इस पिच पर लिए हैं, जबकि स्पिनर्स के नाम 188 विकेट रहे हैं। दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो मैच शुरू होने से पहले मोहाली में तापमान 32 डिग्री के आसपास रहेगा। मैच के अंत तक यह 24 डिग्री तक ठंडा हो जाएगा। बारिश की फिलहाल यहां पर कोई संभावना नहीं है, वहीं ह्यूमिडिटी यहां पर 21% से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो सबसे पहले पंजाब की पॉसिबल प्लेइंग 11 में कप्तान शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वहीं तीसरे नंबर पर हरसिमरन सिंह, चौथे नंबर पर सैम करन, पांचवें नंबर पर सिकंदर रजा, छठे नंबर पर जितेश शर्मा, सातवें नंबर पर शशांक सिंह, वहीं आठवें नंबर पर हरप्रीत बरार, नौवें नंबर पर हर्षल पटेल, दसवें नंबर पर कंगीशोर अबाड़ा और ग्यारहवें नंबर पर अर्शदीप सिंह। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात की जाए दोस्तों, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वहीं तीसरे नंबर पर एडिम माकरम, चौथे नंबर पर हेनरी क्लासन, पांचवें नंबर पर अब्दुल समद, छठे नंबर पर शाबाज अहमद, सातवें नंबर पर पैट कमिंस, आठवें नंबर पर जयदेव उनादकट, नौवें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार, दसवें नंबर पर मयंक मारकंडे, वहीं आखिर में टी नटराजन। आई होप दोस्तों, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।